हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन, यानी ओपन एंडेड मतलब मुक्त अंत प्रश्न और क्लोज एंडेड मतलब बंद अंत प्रश्न के बारे में देखते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें अपने विचार जो है रख सकता है कोई, अपने विचार अलग अलग भी हो सकता है, एक से अधिक उत्तर सही होते हैं इसमें। जैसे निबंध है तो कोई निबंध अपने तरीके से, हर एक बच्चा अपने 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 तरीके से लिख सकता है। जैसे आपसे प्रश्न पूछा, आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, किसी दूसरे बच्चे से पूछा तो उसका जवाब अलग होगा, अलग तरीके से वो आंसर देगा, वो भी सभी लोग सही रहेंगे लेकिन तरीका जो है अलग अलग हो सकता है इसमें। जैसे अगर पूछ दिया, जैसे मैथ में पूछा क्वेश्चन, 3 और 4 के बीच एक अपरिमेय संख्या बताइए। अब 3 और 4 के बीच, चूँकि आप लोगों को अगर मालूम होगा तो किसी भी परिमेय संख्या के बीच अनंत, किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत, सॉरी यहाँ पे एक ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे ये जो है परिमेय रहेगा, अ नहीं रहेगा। 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या बताइए, 3 और 4 के बीच में अनंत परिमेय संख्या, किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। जैसे अगर 3 और 4 के बीच में देखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं 30/10, और इसको लिखो 4 को लिख सकते हैं 40/10। ठीक है, तो अब देखें हम 30 से 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, ठीक है, तो ये सब क्या होंगे, परिमेय संख्या ही होंगी। अगर इसी को यहाँ 100 कर दिया जाए तो ऊपर भी 100, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है अनगिनत अनंत जो है परिमेय संख्या होती हैं। तो इसका आंसर जो है कोई कुछ दे सकता है, कोई कुछ भी दे सकता है, सभी सही रहेगा। अगर तो अब कहता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, वो क्वेश्चन जिसका आंसर जो होता है सिलेक्टेड होता है, यानी जैसे ट्रू और फॉल्स का है कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो न्यू दिल्ली। अब इससे अलावा कोई अगर आंसर बताता है लंदन, मुंबई, कोलकाता, तो ये क्या है, गलत आंसर है। यानी ये क्वेश्चन जो है क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। अब आपसे पूछा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे 4 विकल्प हैं उसमें से एक ही विकल्प जो है सही रहता है, तो ये भी क्या हो गया, क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया। फिर अब पूछ दिया कि 3+2 कितना होता है, 5 है, कोई बच्चे 6 कहे, 7 कहे, तो चाहे 4 कहे, तो वो गलत है। यानी ये भी प्रश्न जो है क्या हो गया, क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया। अगर ये प्रश्न पूछता है कि त्रिभुज की तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, तो 180 जो होता है, इसके अलावा कोई आंसर अगर बताता है तो वो क्या है, गलत है। यानी ये क्या हो गया, क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गए। ठीक है, धन्यवाद।